हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं फोर्स यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों आज का जो टॉपिक है मेरा स्टेयर केस, आज मैं आपको स्टेयर केस के बारे में बताने वाला हूँ कि आप जब भी स्टेयर केस का डिजाइनिंग करो तो आपकी कितने नंबर ऑफ राइजर, कितने नंबर ट्रेड, यानी कि जो स्टेप आप चलते हो अपने स्टेयर केस में तो कितने यूज होंगे उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल बने हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये मेरा एक स्टेयर केस का डिजाइन है, मैंने अभी आपको यहाँ पे एक स्टेयर केस का डिजाइन दे दिया। इसमें मुझे पता करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टेयर केस यूज होंगे और कितने नंबर ऑफ राइजर ट्रेड यूज होंगे, क्योंकि स्टेयर केस इक्वल टू होता है राइजर प्लस ट्रेड, यानी कि राइजर और ट्रेड जितने होंगे राइजर प्लस ट्रेड करके इक्वल टू होता है स्टेयर केस, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन को ही स्टेयर केस बोला जाता है। इसमें राइजर क्या होता है, ये राइजर, इसे राइजर बोलते हैं और इसे ट्रेड बोलते हैं। ये जो फर्स्ट गया इसे राइजर और ये ट्रेड, इसे राइजर और इसे ट्रेड। तो दोस्तों राइजर ट्रेड को निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कहां पे हम राइजर और ट्रेड निकालेंगे, किसी एक एरिया में निकालेंगे, कुछ एक फिक्स एरिया होगा। यहाँ पे मैंने ये एरिया दे रखा है इन्होंने, तो दोस्तों यहाँ पे ये एरिया इन्होंने दे रखा है, यानी ये मेरा हाइट, यहाँ से यहाँ का हाइट हमें पता है, क्योंकि हम लोग स्टेयर केस वहां पे यूज करते हैं, सीढ़ी वहां पे यूज करते हैं छत पे चढ़ने के लिए, कोई भी एक हाइट से मतलब एक डाउनवर्ड से अपवर्ड जाने के लिए, फिर अपवर्ड से डाउनवर्ड आने के लिए, यानी कि एक हाइट को हमें रन करना होगा तो उस हाइट का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। लेट सपोज ये डिस्टेंस मेरा 10 फीट है, 10 फीट है। अब 10 फीट में हमें कितना राइजर देना होगा और कितना ट्रेड देना होगा ये हमें पता करना है, यानी कितना सीढ़ी के स्टेप्स आएंगे, कितना रन होगा, ये बारे इस सारी बातें हमें पता करना है, हमें निकालना है। दोस्तों सबसे पहले कि आपको जब भी ड्राइंग दिया रहे, ड्राइंग पता होगा दिया रहेगा या फिर नहीं भी दिया देगा, स्टैंडर्ड जो होता है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप रेजिडेंशियल हाउस के लिए बना रहे हो स्टेयर केस तो उसमें जो राइजर होता है, राइजर 6 इंचेस का होता है और ट्रेड जो होता है वो 12 इंचेस का होता है, यानी कि ये 0.5 फीट का होता है और ये 1 फीट का होता है। ये राइजर क्या बोला मैंने, राइजर ये और ट्रेड ये, यानी कि ये मेरा राइजर, ये मेरा ट्रेड, ये राइजर ये ट्रेड। इस तरीके से हम लोग स्टेप काउंट करते जाएंगे ऐसे ऐसे, फिर ये इधर से जाके इधर से घूम जाता है, फिर ये छत चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें मेरा मेन फोकस क्या है कि नंबर ऑफ राइजर और ट्रेड में पता करना। उससे पहले हमें क्या कि ये डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस क्या है, तो जो बॉटम, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जो बॉटम लेयर जहां पे होगा हमारा फ्लोर स्टार्ट होगा वहां से, तो जो अपर लेयर, अपर जो फ्लोर होगा टॉप फ्लोर, उसका टॉप, उसके टॉप से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग। यानी कि लेट सपोज अगर यहां से एक फ्लोर स्टार्ट हो रहा है और एक फ्लोर यहां पे है, तो यहां से डिस्टेंस कहां से लेंगे, डिस्टेंस हम ये डिस्टेंस हम लेंगे इस पोजीशन से, यहां से लेकर के यहां तक का, यानी ये डिस्टेंस जो होगा इसके लाइन के ऊपर के जस्ट अबव लाइन के, ये डिस्टेंस हमें मेजर करना होगा। लेट्स सपोज ये मेरा आ गया 10 फीट मैंने इसे ले लिया। जनरली जब भी आप घर की कास्टिंग करते हो तो एक अपने रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए तो 10 फीट 12 फीट इतना ही होता है, हाइट हो गया 10 फीट। अब जब भी आपको हाइट पता चल जाए तो उसमें हमें मिड लैंडिंग करना होता है 10 फीट। जैसे मुझे मेरा 10 फीट आ गया, तो इसमें मिड लैंडिंग कितना भी आ जाएगा, ये इसे बोलते हैं मिड लैंडिंग या फिर सिंपली लैंडिंग बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं मिड लैंडिंग या फिर सिंपली इसे लैंडिंग भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मिड लैंडिंग या फिर लैंडिंग, तो लैंडिंग नाम से ही पता चल रहा है, मिड लैंडिंग यानी मिड मतलब आधा, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा यहां पे अगर हम निकालेंगे इसे, तो ये मेरा 5 फीट आ जाएगा, यहां से यहां का डिस्टेंस 5 फीट आ जाएगा, यानी कि हम अगर यहां से यहां तक का डिजाइन कर लेंगे तो ये मेरा सेम इतना ही ऊपर स्टेयरकेस चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे भी कैसे, पहले मैं आपको दिखा दूं, ये सेक्शन इसे बोलते हैं और इसे हम लोग प्लान बोलते हैं।
आप ड्राइंग में जब भी आप सिविल इंजीनियरिंग का जब वर्क करोगे, आप जब अपने साइट पे, तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखा दिखा जाएगा। कहीं कहीं पे तो वो फिर ड्राइंग में लिख देते हैं कि इतना राइजर इतना ट्रेड, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ ड्राइंग दे देंगे, हाइट दे देंगे, और स्टेयर केस डिजाइन खुद से करना पड़ता है। हमें सिविल इंजीनियर है हम, तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा अपने साइट पे भी, तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो हमें इन्फॉर्मेशन जो होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो गिवन होता है, राइजर इतना छः इंच का है और ट्रेड 12 इंच का है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना यूज होगा। तो चलिए निकालते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ राइजर सोल्डर क्या होता है, नंबर ऑफ राइजर सोल्डर क्या होता है, टोटल हाइट डिवाइडेड बाई साइज ऑफ राइजर, या फिर हाइट ऑफ राइजर भी हो सकते हो, हाइट ऑफ वन राइजर। हाइट ऑफ टोटल हाइट कितना हो गया, 5 फीट डिवाइडेड बाई 0.5 फीट। ठीक है दोस्तों, ये 0.5 फीट। अब यहां से 0.5 फीट से मैं जब डिवाइड करूंगा इसे, तो ये मेरा आ जाएगा, मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 10। ये आ जाएगा मेरा 10 राइजर। और ट्रेड निकाला, मुझे राइजर पता चल गया, अब मुझे ट्रेड निकालना है। तो ट्रेड इक्वल टू होता है, तो दोस्तों ट्रेड कैसे निकालेंगे, ट्रेड इक्वल टू होता है नंबर ऑफ राइजर माइनस वन। यानी कि नंबर ऑफ राइजर कितना आ गया मेरा, 10 माइनस 1, यानी कि टोटल 9 ट्रेड आएंगे। 9 ट्रेड और 10 राइजर मिलके हमारा ये मिड स्पैन आ जाएगा, और बस उसके फिर से रिफ्लेक्ट कर देंगे तो ये मेरा ये वाला आ जाएगा। अब मैं आपको डिजाइन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मेरा डिजाइन आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। यहां से हम काउंट कर लेंगे ट्रेड हमारा राइजर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 राइजर हो गए। ट्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि मैंने बोला था नंबर ऑफ ट्रेड 9 आ गए और ये 10 राइजर हो गए। पहले मैंने निकाल के दिखा दिया था राइजर 10 होंगे, और ये इसे बोलते हैं लैंडिंग दोस्तों। होप तो दोस्तों इसमें जो नंबर थर्ड है वो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये होता है नंबर ऑफ ट्रेड इनटू साइज ऑफ ट्रेड। ठीक है दोस्तों, यानी नंबर ऑफ ट्रेड कितना हो गया, 9 इनटू साइज ऑफ ट्रेड कितना है, 1 फीट, यानी टोटल डिस्टेंस हो गया 9 फीट। ये कवर करेगा यहां से यहां तक 9 फीट, फिर यहां से यहां तक 9 फीट। ये मेरा ये फ्लोर आ जाएगा यहां पे कहीं पे, ये मेरा फ्लोर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बहुत ही अच्छे से स्टेयर केस के बारे में बता दिया। अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होता है मेरे इस सेगमेंट से, इस वीडियो से, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।